नमस्कार दोस्तों, किसान साथियों, मैं आपका मित्र केएन मौर्या और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल केएन मौर्या, जो जहर मुक्त खेती के बारे में हम बताते हैं। हम बात करेंगे जहर मुक्त खेती में। बहुत सारे किसानों का ये क्वेरी थी हमसे कि हमें अच्छी गाय की नस्लों के बारे में बताया जाए, जिससे आप एक गाय रखें और आपकी खेती भी हो और दूध भी बढ़िया मिले। क्योंकि बहुत सारे किसान हमसे कहते हैं कि देसी गाय हम रख तो लें लेकिन वो दूध नहीं देती है। तो आइए, आज हम कृषि मेले में हैं। आज मेरठ में कृषि मेला है और कृषि मेले में हम आए हुए हैं और हमारे एक किसान साथी ने बहुत अच्छी, जिसे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा देख सकते हैं, आपकी ये गिर नस्ल की गाय लाए हैं। हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। भैया, आप अपना परिचय बताइए, अपना परिचय बताइएगा। हमारा गांव है जाटोली, जिला मेरठ। अच्छा, उत्तर प्रदेश। मेरठ से ही हैं आप? हाँ जी, मेरठ। ये गिर नस्ल की, ये कौन सी नस्ल है? गिर है, गिर गाय है ये। गिर गाय। हाँ जी। कितने दिनों से गिर गाय को पालन कर रहे हैं आप? 8-9 साल हो गए जी। 8-9 साल हो गया। हाँ। तो सबसे पहले तो बधाई हो आपको कि आप अच्छी नस्ल की गायों को यहाँ पाल रहे हैं। धन्यवाद। अब हमें ये बताइए हमारे किसान साथियों की, यह नस्ल एक दिन में दूध कितना दे देती है? करीब करीब ये 20 से 25 26 लीटर तक दे देती है। मतलब 25 26 तक दे, हाँ, दूध देती है जो हमारे पास है। मतलब आप कोई देखना, यदि हाँ, किसान साथी चाहता हाँ, है कि आप 20 प्लस दे सकते हैं कि नहीं, तो आपके आके देख आके देख सकता है, यानी 20 से 25 लीटर दूध आप लेते हैं। अब बात करते हैं खुराक की, जो आप अन्य जानवरों को खिलाते हैं वही इसे भी खिलाते हैं या कुछ एक्स्ट्रा देते हैं? थोड़ा उसे बढ़ा देते हैं डाइट को। क्या क्या देते हैं डाइट में? ये तो आप मक्का, चना, गेहूं, अच्छा, बाजरा, अच्छा, और ये सोयाबीन, अच्छा, सब एक जगह मिक्स करके इन्हें, हाँ, और इन्हें अच्छी तरह दलिया बना के इनका, और ये इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसको इस्तेमाल करते हैं आप खाने में। अब हमें ये बताइए, जैसे गिर के बारे में ये कहा जाता है, तमाम तरह की भ्रांतियां हैं कि गिर केवल गुजरात में सफल है, गुजरात से लाने के बाद ये अन्य उत्तर भारत में या फिर भारत के अन्य स्थानों पर सफल नहीं है, इसके बारे में किसानों को क्या बताएंगे आप? नहीं, ये तो गलत अफवाह है। अच्छा। हाँ, ये जो है आप राजस्थान, हरियाणा, पंजाब कहीं भी रख सकते हैं। कहीं भी रख सकते हैं, ये कोई ना तो ये ठंड मानती ना ही ये गर्मी मानती। अच्छा, ठंड गर्म से कोई बहुत प्रभाव नहीं, ये बहुत मजबूत नस्ल है। अच्छा। हाँ। अब दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसान के साथ आती है कि चलो वो गाय तो गिर का ले गया, लेकिन जब वो उसकी प्रेगनेंसी की बात आएगी तो सीरम की अवेलेबिलिटी बड़ी समस्या। हमारे जो हिसार वाले है बहुत अच्छा सीमन दे रहे भी। अच्छा, उनके पास सांड है। अच्छा, जूनागढ़ के सांड मंगाए हुए है, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे सांड है। अच्छा। और जो हमारा स्टेट ये है मेरठ, हाँ, यूपी, उत्तर प्रदेश से हैं हम। हाँ, तो ये जूनागढ़ से इनका कॉन्टैक्ट है सीधा। अच्छा। तो ये किसान को वहाँ से पता नहीं है, लेकिन ये वहाँ पे अवेलेबल करवाते हैं, अवेलेबल कराते हैं। अब हमें ये बताइए आपके पास कितनी गाय हैं? 10-12 गाय हैं, 10 गिर नस्ल की। यदि हमारा कोई भी किसान भाई आपसे बछिया चाहे या बछड़ा चाहे इसका, गाय का, तो क्या ये अवेलेबल है आपके पास? हाँ, करवाएंगे बिल्कुल। बिल्कुल पास नहीं होगी हम बताएंगे जहाँ। अच्छा, मतलब सही, जो जहाँ से आपके पास नहीं होगी तो बताएंगे, बताएंगे वहाँ से ले लो। चलिए, हमारे किसान भाइयों को अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताएंगे। 9797 5980 8088 1414। आपका गाँव? गांव जटोली है। तहसील सरदना, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान मित्रों, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, चीज़ें अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, करते रहिए जहर मुक्त खेती। मिलेंगे, जय जवान जय किसान।